बारा शहर के पुरानी सिविल कॉलोनी के निजी स्कूल की 13 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ 25 दिन पूर्व हुए दुष्कर्म मामले में पुलिस और प्रशासन द्वारा अभी तक सकारात्मक कार्रवाई नहीं करने के विरोध में शनिवार को सर्व समाज का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में लोग एसपी कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया गया। साथ ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर स्कूल संचालक से मिलीभगत कर केस को रफा दफा करने का आरोप लगाते हुए भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही आरोपी निजी स्कूल के संचालक के खिलाफ ही सख्त कार्रवाई कर नाबालिग को न्याय दिलाने की मांग की है। मैं सबसे पहले हम लोग ये चाहते हैं कि हमने जो आज हम सब यहाँ सर्व हिंदू समाज इकट्ठा होकर के आए हैं यहाँ पर हमें एसपी साहब से हमने बात भी करी है और वो स्कूल अभी तक एज इट इज चल रहा है, लेकिन वो स्कूल बंद होना चाहिए और उस अपराधी को अरेस्ट करना चाहिए। दान हुआ है उससे हम संतुष्ट नहीं है। पहली बात, 3 तारीख की घटना होने के बावजूद पुलिस का रवैया जो रहा है, अभी तक पीड़ित के प्रति उन्होंने कोई किसी भी तरीके की उसको न्याय लाने की कोई कार्रवाई नहीं करी, बल्कि परिजनों से दूर करके उसे बाल गृह सुधार में भेज दिया गया है। ये भी गलत है और इस नाबालिग होने के कारण इसका मुकदमा पास्को एक्ट में दर्ज करके और पीड़ित को तुरंत न्याय दिलाना चाहिए। अपराधी को गिरफ्तार करना चाहिए। अभी तक अपराधी से पूछताछ भी नहीं की गई है इनके द्वारा। हाँ, पुलिस इस प्रकरण को बिल्कुल गंभीरता से देख रही है। थोड़ा सा बच्ची मानसिक रूप से थोड़ा परेशान थी, तो पूरी बात अपनी जैसी उसको कहनी चाहिए, वो ढंग से पूरी अभी हो नहीं पाई और अभी उपचाराधीन है। गंभीर प्रकरण है, मैं यही कहूँगा कि इसमें सही अनुसंधान होगा और जो भी दोषी है उसके खिलाफ़ बिल्कुल विधिक तरीके से सख्त कार्रवाई अमल में लाई